अब हम बच्चों करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 9.3। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इसमें हमने डेफिनेशन लिखनी है। इट इंडिकेट्स टू विच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इट इंडिकेट्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेटमेंट। ये इंडिकेट करता है हमें के इक्विलिब्रियम की एस्टेब्लिशमेंट से पहले रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, या फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन आपस में बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। द रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन बिकॉज प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स आपस में मिलकर रिएक्टेंट बनाती है एंड रिएक्शन अकर्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज़ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बनाता है, और रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू अ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन नेवर कम्प्लीट बट वैल्यू ऑफ के सी बिकम मॉडरेट वन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ अ रिएक्शन हैज़ लार्जर वैल्यू ऑफ के सी विल इट गो टू कम्प्लीशन एंड वाई। आंसर सादा सा है, अभी हमने ये केस पढ़ा है कि अगर जो है हमारे पास के सी की वैल्यू लार्जर हो तो इट मीन्स ऑल ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट एंड रिएक्शन गोज टू कम्प्लीशन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू बी कन्वर्टेड इंटू द प्रोडक्ट। दीज रिएक्शन विच हैव लार्जर के सी वैल्यूज प्रोसीड ऑलमोस्ट फॉरवर्ड। ये तमाम वो रिएक्शन जिनकी के सी वैल्यू लार्जर होती है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड रिएक्शन एसेंशली गोज टू कम्प्लीशन। ऑल ऑफ द रिएक्टेंट यूज टू मेक प्रोडक्ट। तकरीबन तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो है वो क्या बना देता है, दैट्स कन्वर्टेड इंटू द प्रोडक्ट। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें बता रहा है विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन डू नॉट गो टू कॉम्प्लीशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बताता है, विच टाइप ऑफ अ रिएक्शन डू नॉट गो टू कॉम्प्लीशन। आंसर है रिवर्सिबल रिएक्शन डू नॉट गो टू कॉम्प्लीशन, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, वाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स एंड 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हम आंसर लिखते हैं द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी। इफ़ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ लार्ज एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल एंड मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ प्रेजेंट देयर इन अ लार्जर क्वांटिटी। ये बात अभी हमने पढ़ी है कि इस बात का क्या मतलब है हमारे पास कि रिएक्शन मिक्सचर जो है वहाँ पर 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट नहीं होता। ये डिपेंड किस पे करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी पे। लार्जर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इट मीन्स होल ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। एक हमें टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसमें हमें बताया गया है कि एयर कंसिस्ट ऑफ टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99% ऑफ एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और 1% बाकी तमाम गैसेस पाई जाती हैं। एयर से नाइट्रोजन हासिल करके अमोनिया बनाया जाता है और अमोनिया को फर्टिलाइज़र यानी खाद की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन हवा से हासिल होने वाली सल्फर के साथ मिलकर बनाती है सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है H2SO4 which is called sulfuric acid, and about sulfuric acid we know that it's called the king of chemical. बच्चों आपका चैप्टर मुकम्मल हो गया, अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो मैं मौजूद हूँ, आप मुझसे डिस्कस करना मत भूलें।